देखा था कि जो स्काई डाइवर था, स्काई डाइवर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा था जब वो ऊपर से मूव, जब ऊपर से उसने डाइविंग की, उसके थोड़ी देर बाद जैसे जैसे विस्कस फोर्स हमारी इंक्रीज होती जा रही थी, धीरे 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 क्या हो रहा था, विस्कस जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे, जब वो स्काई डाइविंग उसने करी, जैसे ही वो ऊपर से जंप किया तो वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लगा, विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती चली गई, उसके बाद विस्कस फोर्स भी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो जीरो हो जाता है और वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट हो जाती है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो सम ऑफ द अपसर्ज फोर्स और सम ऑफ द विस्कस फोर्स, विच इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ द डाउनवर्ड वेट। ठीक है, तो उसने बोला स्टोक्स ने, इफ एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हाइल मूविंग इन अ फ्लूड देन विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स, फोर्स डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री शेप, ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल, ज्योमेट्री को मैंने शेप एंड साइज भी बोला था, विच इज इक्वल टू द डायमीटर। सेकेंड वन इज विस्कोसिटी ऑफ द पार्टिकल, विच इज डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, एंड थर्ड वन इज स्पीड ऑफ द स्फेयर, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोलो इसको, पार्टिकल भी लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो उसने बोला था ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज गलत कर दी है मैंने, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू थ्री पाई म्यू वी डी। मैंने क्या कहा कि जो ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इज डिपेंडेंट अपॉन द डाया विच इज ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल, एंड विस्कोसिटी म्यू एंड वेलोसिटी वी विच इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो जब हम लोगों ने इनको पुट किया तो आया हमारा फॉर्मूला ये। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली थी, तब हमारा जो वेट ऑफ द पार्टिकल होगा वो बराबर होगा मेरा ड्रैग फोर्स विच इज एफ डी प्लस अपथ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स आपको ध्यान है तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था बायंड फोर्स क्या होता है, याद है? बायंड फोर्स होता है रो जी बी बार, बी बार होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, वी बार इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। शायद ये पता नहीं आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ये सर ने पढ़ाया होगा, हमें सर ने, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, फ्लूइड ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, याद हो आपको एम जी इक्वल्स टू एल पी, उससे आप हम लोगों ने ये चीज को डराइव किया था। ठीक है, तो जब F, अब ये तो हम लोगों को पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को ये पता है कि फोर्स जो होती है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या, वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? यस सर। यहां तक हम लोग वैसे कल डिस्कस भी कर चुके थे। अब अगर किसी बॉडी का मुझे वेट निकालना हो स्फेरिकल का, यहाँ पे तो स्फेयर की बात हो रही है, सिंपल सिंपल, अगर स्फेरिकल पार्टिकल का वेट, अगर मुझे वेट निकालना है जिसकी जो डेंसिटी है वो है रो एस, रो एस है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड, और जिसकी सपोज करो रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर रेडियस है, और कैपिटल आर रेडियस है, तो वेट कितना होगा उसका पार्टिकल का, एनीवन? रोगी जी, रो, क्या रोगी बोल जी, रहे हो? रो जी वी, रो जी वी। हम लोगों को पता, मैं जो लोग नए हैं अभी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, मैं उन लोगों को बता देता हूँ वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है मेरा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग गामा से। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था डेंसिटी के बारे में, आपको याद होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो लेटरल एंट्री जो नए आए हैं उनमें से डेंसिटी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो बताया था आपको आई थिंक, यस सर, यस सर, बताया सर पहले आपने।
हाँ, और उस डेंसिटी की मल्टीप्लाई मैं ग्रेविटी के साइड कर देता हूँ, अगर दोनों साइड मैं इसको, अगर मास को भी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाता है, तो ये एमजी क्या होता है? मास को जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वेट, वेट, वेट अपॉन यस वॉल्यूम। और इस रो जी को हम लोग बराबर इसको लिखते हैं हम लोग गामा के, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गामा विच इज सेट टू बी ए स्पेसिफिक वेट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट विच इज इक्वल्स टू द रो इंटू जी विच इज इक्वल्स टू द वेट पर यूनिट वॉल्यूम और इक्वल्स टू द मास इंटू ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? जो नई न्यूली एडमिटेड है उनसे बात पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो सर। नहीं? ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है गामा, तो हम लोग वेट को कैसे लिख सकते हैं? वेट इक्वल्स टू गामा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो गामा को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, तो 2/3 π r³ कितना? 4/3 π r³ 4 बाई 3 पाई कैपिटल R³। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं कैपिटल आर इक्वल्स टू कैपिटल डी, यहाँ पे जब कैपिटल आर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल डी यूज कर लेते हैं, कैपिटल डी बाई टू, तो रो इंटू जी इंटू 4/3 π r की जगह हम लोग डी बाई टू रख लेते हैं उसको, डी बाई टू की होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, रो इंटू जी इंटू 4/3 इंटू पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा वेट आ यस गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी को? नो ये रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो एस। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी यस को तो सर। बताओ। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग अगर अब थ्रस्ट फोर्स निकालेंगे, तो अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है हमारा, अब थ्रस्ट फोर्स जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बायंड फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बायंड फोर्स विच इज इक्वल टू द रो जी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो अब हमारा रो तो जी, रो इंटू जी हो गया, अब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज कितना है? 4/3 π R³, यही तो है ना वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। यस बट यहाँ पे जो रो है, यहाँ पे ये रो लिखते हैं हम लोग फ्लूड का, फ्लूड। अभी अपने केस में सपोज करो अगर वाटर है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रो वाटर। क्लियर है? ओके सर। तो अभी हम लोगों के पास ड्रैग फोर्स, हम लोगों ने स्टॉक्स ने बता दिया हम लोगों को ड्रैग फोर्स किसके बराबर था, स्टॉक्स बोला कि जो ड्रैग फोर्स है वो है 4 π μ dV के बराबर। सारी चीज कर लेते हैं पुट अपनी इक्वेशन में, हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल्स टू FD+FB। तो कितना हो गया, चलो 4/3 π d³/8, इसको शॉर्ट करके लिख देंगे, π d³/6 कर दें इसको क्या? हाँ सर, चलो कर यस लिया, अब सर। तो छोड़। इंटू रो एस इंटू जी, और क्या बचा, बस कुछ रह तो नहीं गया, चेक कर लो एक बार। और एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ डी हो गया हमारा 3 π μ dV प्लस बायंड फोर्स क्या हो गया हमारा, रो डब्ल्यू जी 4/3 π, इसको भी डी के फॉर्म में कर ले रहा हूं मैं, d³/8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? नो सर। ये वी क्या है, कोई बता सकता है? ये वेलोसिटी इन फ्लूइड। टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब मुझे इस टर्मिनल वेलोसिटी की ही वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेटली मैं जितना सब कुछ कर रहा हूं
ये टर्मिनल वेलोसिटी की ही वैल्यू निकालने, जिसको मैं बोलता हूँ वी इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू निकालनी तो थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने हम कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो 4/3 π d³/8 g, ये आई थिंक कॉमन रहेगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रो एस माइनस रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3 π μ d V। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज में, सिंप्लीफाई किया जस्ट। नो सर, यस। 4/8 और पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, और डी से हम लोगों ने एक डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ स्क्वायर बचा, तो आई थिंक इक्वेशन चेंज हो गया, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। क्या बचा इधर, डी स्क्वायर जी अप 18, ऐसे लिखो डी स्क्वायर जी बाय 18 म्यू, उधर से म्यू भी आ जाएगा ना, इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी, और वी कैन से दैट वी इज इक्वल्स टू रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सब सही है? Yes, sir. अगर मैंने रो डब्ल्यू को यहाँ पे से कॉमन ले लिया तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ रो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes. ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोगों ने कैसे डिनोट किया था, एस से, एस माइनस 1 जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो यहां पे क्या क्या है, वी इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, डी डाया ऑफ पार्टिकल, और यहां पे स्फेयर माना हम लोगों ने इस पार्टिकल को, स्फेरिकल पार्टिकल है, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर या फिर इसको हम लोग वाटर नहीं है तो फ्लूइड लिख लेते हैं, क्या पता अगर हम लोग एयर में यूज कर रहे हैं तो, अगर हम लोग एयर में यूज कर रहे हैं तो कुछ और भी हो सकता है। और इसको मैं सोच रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी छोड़ देते हैं इसको लिखने की, ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, क्योंकि एस स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग उस केस में यूज करते हैं जब हम लोग वाटर को ट्रीट, वाटर ले रहे हो एज अ फ्लूइड, एज अ फ्लूइड वाटर को हम एज अ फ्लूइड ले रहे हो तब, और अगर हमारा कोई और फ्लूइड होगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये वाला यूज करो, रो एस माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आई थिंक, कोई कंफ्यूजन है तो बात देख लेते हैं हम लोग, किसी को है कोई कंफ्यूजन? नहीं है? No, sir. तो आपकी जो आपकी यूनिट 4 थी उस, जैसे कि मैंने आपको पहले यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले बताया था, इसमें दो टॉपिक्स आपके हैं, एक विस्कस फ्लोस, विस्कस, एक चीज और याद रखना, मैं एक चीज बतानी भूल गया तुम लोगों को कि स्टॉक्स फ्लो इज एप्लीकेबल ओनली इन लैमिनार फ्लो, एप्लीकेबल जो होता है ये सिर्फ लैमिनार फ्लो में होता है, इन लैमिनार फ्लो। ठीक है।
मतलब सर लेमिनार कैसे रिलेट हुए हैं? मतलब जो फ्लूड, मतलब जब वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो ऐसी रहे कि जिसके हमारा जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो हो रहा है, मतलब जब पार्टिकल के अंदर, एक्चुअली जब हमारी बॉडी किसी भी फ्लूड के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उसके साइड में जो पार्टिकल फ्लो हो रहा है, साइड में भी तो वेलोसिटी मूव कर रही है ना पार्टिकल उसके फ्लूड की, तो वो वेलोसिटी हमारी लेमिनार फ्लो, लेमिनार हो, ठीक है। ओके सर, तो यूनिट फोर्थ थी, उसके अंदर दो चीज थी, विस्कस फ्लो एंड सेकेंड वन इज बाउंड्री लेयर। तो हमारा विस्कस फ्लोस कंप्लीट हो गया पूरा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लेयर को, ठीक है। तो ये बाउंड्री लेयर के बारे में कोई बता सकता है क्या होता है? कुछ आइडिया है? किसी सर को? बाउंड्री के आसपास नहीं। बाउंड्री के आसपास वाला फ्लोस कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। देखो ये जो बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था उसका नाम, तब आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ। तो बाउंड्री लेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था प्रांटल, जिसने प्रांटल मिक्सिंग लाइन दी थी ना, तो इस सबसे पहले इसी साइंटिस्ट ने दिया था, जिसने दिया था बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट। और बाउंड्री लेयर है क्या पहले बात समझते हैं। बाउंड्री लेयर समझने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए होती हैं, एक तो फ्लूइड और एक सॉलिड सरफेस। हम लोग फ्लूइड का बिहेवियर को स्टडी करते हैं सॉलिड सरफेस में, ऑन सॉलिड सरफेस। इसके लिए सबसे बेस्ट है एक एग्जांपल, हम लोगों ने एक हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट कंसीडर करते हैं, या फिर कोई भी सॉलिड बाउंड्री, कोई भी सॉलिड बाउंड्री, जैकेट वाले जीव का ना इधर इधर हाँ वजूल हाँ हाँ कौन है? हो गया ऑफ? नो सर नहीं हुआ। हम लोगों ने कंसीडर करा एक सॉलिड बाउंड्री, ठीक है। अब क्या मैं क्या कह रहा हूं कि सॉलिड बाउंड्री के ऊपर कोई भी फ्लूड है जो अपनी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा, तो इस बाउंड्री में एंटर होने से पहले, इस बाउंड्री में एंटर होने से पहले उस फ्लूड की फॉर एग्जांपल वेलोसिटी थी यू इनफिनाइट, यू इनफिनाइट, और इस इनफिनाइट वेलोसिटी को मैंने बोला फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यू इनफिनाइट इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बात सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब क्या हुआ, जैसे कि जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं ये बात को, कि जैसे ही फ्लूड एक सॉलिड बाउंड्री के ऊपर आता है, तो जो बाउंड्री के पास जो लेयर फ्लूड सॉलिड बाउंड्री को टच में रहती है बिल्कुल, उस लेयर की वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो उस लेयर की वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी उस प्लेट की होगी या सरफेस की होगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेस प्लेट और उस पार्टिकल के बीच की होगी जीरो। तो अभी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे तो ये वेरिएशन यहाँ पे फ्लूड की वेलोसिटी में वेरिएशन होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ऐसा अगर ड्रॉ किया तो क्या होगा, फ्लूड की वेलोसिटी वेरी करती चली जाएगी, एक वेरिएशन होता है फ्लूड की वेलोसिटी में, कि
यहाँ पे तो जो थी वो वेलोसिटी जो पास में था पार्टिकल उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जैसे जैसे वो क्या कर रहा है वो एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर वाले को भी रोक रहा है वो उसके ऊपर, बट जैसे जैसे आगे की तरफ जाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। क्लियर? अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर आने के बाद जो हमारी वेलोसिटी होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है जो वो हो जाती है 90% ऑफ 0.99 टाइम्स, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट इसके जैसे ही ऊपर जाऊंगा मैं, जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब ये जो कर्व है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। बात क्लियर है? ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूँ कि ओवर द, अब ये क्या है, ये टोटल लेंथ है प्लेट की, ये टोटल लेंथ है प्लेट की ये वाली, और जब मैं इस चीज को अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लेंथ पे मेजर करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो हर जगह ऐसा कुछ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ भी होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गई है, फिर और आगे जाएंगे तो ये और आगे जाके इस पोजीशन पे आई है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की 90, ये सारी डिस्टेंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जैसे और आगे गए तो इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे आई है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और आगे गए तो यहाँ आई है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने हर ओवर द लेंथ देख लिए, ओवर द लेंथ ये सारे पॉइंट्स मैंने देख लिए कि कहाँ किस पॉइंट पे हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, यही सेम मैं नीचे ही बना दे रहा हूं बाउंड्री। सर ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सरफेस के कांटेक्ट में आने से पहले की है ना? जब हमारा जो वाटर था ये फ्लूइड था, जब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आया उससे पहले जो वेलोसिटी से आ रहा था वो थी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब मैं अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ तो जो लेयर बनती है, जो बाउंड्री बनती है, तो उसको मैंने बोला बाउंड्री लेयर। मतलब अगर इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ भी हमारी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही थी, उस पॉइंट को जहाँ जहाँ भी ज्वाइन किया उस पॉइंट को मैंने बोला बाउंड्री लेयर। मतलब बाउंड्री लेयर पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, तो इसको, इस लेयर को मैंने कहा ये लेयर है बाउंड्री लेयर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। सब लोगों के यस सर। ठीक है, हाँ कुछ बोलना आकांक्षा? नो सर, क्लियर है वही। अच्छा ठीक है, तो जो पॉइंट था, जो सरफेस पे जो पॉइंट था जहां पे मेरी वेलोसिटी जीरो थी, जहां पे मेरी वेलोसिटी जीरो थी, उस पॉइंट को मैंने बोला नो स्लिप कंडीशन या फिर नो स्लिप पॉइंट। वो हमारा बताता नो स्लिप कंडीशन, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद। ठीक है, बात क्लियर है?
तो अगर मुझे आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द बाउंड्री लेयर, तो अगर हमें बाउंड्री लेयर को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हम लोग कह सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी? यस सर, लिख सकते हैं इट इज locus of all points across the length of solid surface at which velocity is equal to 99% of free stream velocity. गलत तो नहीं बोला? प्रॉब्लम बात क्लियर है कि मतलब कि वो लाइन जिस लाइन पे हमारी वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल्स टू द 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, दैट लेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर. ठीक है, अब मुझे एक चीज इसमें बताओ, कि इसके अंदर क्या है, यहां पे क्या du ओवर dy यहां एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? व्हाट इज du ओवर dy? बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा. Velocity gradient is not equal to zero, exist करेगा. Obviously बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है velocity vary कर रही है यहां से लेके यहां तक. What is velocity gradient? Velocity gradient is the slope. क्या है velocity का slope है कि velocity कैसे vary कर रही है. तो हम लोगों ने देखा यहां से जो velocity है वो vary कर रही है इस point तक हमारी velocity vary कर रही है. तो velocity gradient होगा या नहीं होगा? यस सर. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, यहां से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट तक यहां पे वेलोसिटी का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे ही इस पॉइंट पे आता हूं तो मेरा जो स्लोप है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो वेलोसिटी मेरी ऐसे हो जाएगी. अब बताओ मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इस वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? एग्जिस्ट कर रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्लोप है, वेलोसिटी का स्लोप है. यहाँ पे कोई स्लोप है नहीं, यहाँ पे क्या बिल्कुल वर्टिकल लाइन है. तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ठीक है. तो अगर मैं इसको और डिफाइन करना चाहूं बाउंड्री लेयर को किसी और तरीके से, तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द लेयर बिलो विच हाई relative velocities exist. क्या बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? इस रीज मैं कह रहा हूं कि ये रीजन है, इसके नीचे क्या होता है, हाई रिलेटिव वेलोसिटीज एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं. ऑब्वियसली बात है, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि डी ओवर डी वाई जीरो होगा. रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक लेयर के रिलेटिव दूसरे लेयर की वेलोसिटी कितनी है. फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरी फ्लूइड की एक लेयर अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और उसके ऊपर वाली लेयर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर सपोज करो इस लेयर ये ए है, ऊपर वाली लेयर का नाम बी है, तो मैं क्या कहूंगा? बी इज, बी की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ए, ये बोलूंगा ना मैं. यस सर. यस. हाँ, अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाले लेयर में ए बी जो है वो दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही हैं, तो क्या यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी ऊपर वाले रीजन में? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तभी तो वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, तभी तो वो स्ट्रेट आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है. अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना होती तो क्या होता? तो क्या ये कभी स्ट्रेट आता? स्लोप? नो सर. स्लोप एग्जिस्ट करता. स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है. यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऊपर. बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को सबको, ठीक है? यस सर. ठीक है, तो यहां पे तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी और यहां पे कोई रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. नो रिलेटिव रिलेटिव मोशन. आई थिंक इतनी चीज सबको क्लियर होगी. अब एक चीज पूछनी है. श्योर सर. ये जहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बन रही है इसके ऊपर कितने डिस्टेंस तक वो सेम ही रहेगी? वो तो डिपेंड करता है कितने ऊपर चल रहा है, कितनी डेप्थ पे फ्लो कर रहा हूँ मैं, वो तो डिपेंड. फॉर एग्जांपल ये रिवर का बेड है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिवर का बेड है, ठीक है? अब वो तो डिपेंड करता है कि तो हाइट ऑफ वाटर इन रिवर कितना है. समझ रहे हो? जहां तक बात ये रही है थिकनेस की, थिकनेस हम लोग अभी निकालेंगे आगे, बाउंड्री लेयर की थिकनेस अभी हम लोग निकालेंगे आगे. बताओ क्या कह रहे? ठीक है. ये जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की जो हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? इसकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर, बाउंड्री के बियॉन्ड कुछ ना कुछ तो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए सर? तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो नहीं ऐसा कुछ जरूरी तो. आइडियोलॉजी की बात करी जाए, देखो अगर तुम आइडियोलॉजी की, अभी हम लोग ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बाउंड्री लेयर का, तो अभी हम लोग बाउंड्री लेयर को स्टडी कर रहे हैं. अगर तुम आइडियोलॉजी की बात करी जाए तो ओपन चैनल फ्लो जो बताया, जो तुम्हें अगर बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करो, वहां पे जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है. इस टाइप से कर्व बनता है. गलत बना दिया. ठीक है, बट ये इस चीज को अभी इसके साथ मिक्स मत करो. अभी हम लोग डेप्थ की क्योंकि बात ही नहीं कर रहे. सपोज करो जब मैं यहां पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को इनफाइनाइट मान के चला हूं, तो तुम मान के चलो मैं जिस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं y को भी मैं इनफाइनाइट मान के चल रहा हूं, तो एक ना एक पॉइंट तो आएगा ही ना जहां पे जिसके बाद वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बाद हो जाएगी. हम लोग डेप्थ पे भी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? जब डेप्थ की बात करेंगे तब वो ओपन चैनल फ्लो का केस बन जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं कह रहा हूं कि वाई इनफाइनाइट है, वाई की बात ही नहीं कर रहा हूं, वाई इनफाइनाइट है. तो अगर वाई इनफाइनाइट हुआ तो एक ना एक पॉइंट तो आएगा ना जिस जहां उसकी जिसके बाद वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. अगर 10 लोग लाइन में खड़े हैं, एक रो में 10 लोग खड़े हैं, मैंने एक सबसे लास्ट वाले को धक्का दिया, तो वो मैं कह रहा हूँ लाइन की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है. तो मैंने जब लास्ट वाले को धक्का दिया उसकी वजह से आगे वाले को लगेगा, उसके आगे, तो एक ना एक टाइम पे आके तो एक आदमी ऐसा होगा ना जिस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा धक्के का, या फिर मैंने उसको जो मारा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बात उसी की कर रहे हैं हम लोग. किसे नेगलेक्ट किसको किया हमने? नेगलेक्ट किसी चीज को नहीं किया.
मतलब कि हम तो सिर्फ बाउंड्री ले कह रहे कि हम कह रहे कि जो जिस जो पर्सन है जिसके पास उसके पास उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उस धक्का देने का, वो ही मेरी बाउंड्री लेयर है। मैं उस बाउंड्री लेयर की बात कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसको देखेंगे उसके बाद देखेंगे, नेगलेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग सिर्फ बाउंड्री लेयर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना सबको? तो अब एक बात बताओ कि सपोज करो ये मेरी सॉलिड बाउंड्री थी, ये मेरी सॉलिड बाउंड्री थी, और इसके ऊपर सपोज करो ये मेरी एक बाउंड्री लेयर बन रही है, ये मेरी बाउंड्री लेयर बन रही है। तो जब यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई इक्वल्स टू हमारा जीरो है, तो क्या टॉय इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा? क्योंकि टॉय इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू डी यू ओवर डी वाई। जब मैं कह रहा हूं कि ये जीरो है, शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा? शेयर स्ट्रेस जीरो होगा ना? यस सर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है आउटसाइड द बाउंड्री फ्लो, वो एक आइडियल फ्लूड है? आइडियल फ्लूड क्या होता है? आइडियल फ्लूड की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज आइडियल फ्लूड? नो शेयर स्ट्रेस। जो इनकंप्रेसिबल हो, डेंसिटी जिसकी कांस्टेंट हो, इनविसिड हो, विस्कोसिटी जिसकी जीरो हो, शेयर स्ट्रेस इसका जीरो, और क्या बोल रहा हूँ, और कुछ था भूल गए? टाइप्स ऑफ फ्लोस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? ये तो ध्यान होगा। यस सर, पढ़े थे ना। तो क्या होता था आइडियल फ्लूड? आइडियल फ्लूड इज द फ्लूड विच इज इनविसिड, विच इज इनकंप्रेसिबल, एंड थर्ड पॉइंट आएगा शुक्र दिन अशोक आप पूछ लेना, क्योंकि खुद हरिद्वार को साइन उससे करवाए बच्चे ही मिलने मिल जाए। हाँ, विच इज इनविसिड, विच इज इनकंप्रेसिबल, एंड भूल गए हो क्या होता है बताओ? हैविंग जीरो सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की तो हम लोग बाउंड्री लेयर में बात ही नहीं करते, इसको तो हटाई दो। हमने म्यू कह दिया यहां पे जीरो होगा, और ये कब होगा आइडियल फ्लूड? व्हेन व्हेन फ्लूड इज इनकंप्रेसिबल। हमने मान लिया कि अगर फ्लूड इनकंप्रेसिबल है तो ठीक है। कोई प्रॉब्लम? और एक चीज और है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाहर, तो क्या होता है कि जो मेरे सारे के सारे कंपोनेंट है पार्टी, जो पार्टिकल है, वो अपनी वेलोसिटी की अबाउट रोटेट नहीं करता, क्योंकि वो वेलोसिटी के अबाउट तभी रोटेट करता था। देखो होता क्या था, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ध्यान हो तो शायद मैंने बताया भी था ये, या फिर रमेश सर ने बताया होगा, मुझे याद नहीं है। जब वेलोसिटी की ग्रेडियंट होता है, मतलब कि जब वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, तो एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो क्या करता था ये पार्टिकल, जब दूसरा वाला पार्टिकल आगे बढ़ जाता था, तो इसके बीच में एक इनडायरेक्ट फोर्स क्रिएट होती थी और मूवमेंट क्रिएट होता था, जिसकी वजह से ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देता था। तो जब ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देता था, तो ये फ्लूड कब हो जाता था हमारा? रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो
बट यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर लेयर इज इररोटेशनल. और फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज रोटेशनल. क्लियर? यस सर. सब लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइम क्या हो गया? 27. ठीक है, बाकी हम लोग कल कर लेंगे. कल हम लोग बात करेंगे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर के बारे में. फिर उसके बाद बहुत सारी एनर्जी थिकनेसेस होती हैं, उनके बारे में बात करी जाएगी धीरे धीरे के. ठीक है, तो कुल मिला के मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट है आप लोगों को दिसंबर एंड तक आपकी यूनिट 4 कंप्लीट करना. तो एक टॉपिक बचा है, आई थिंक आज मंडे 22 हो गए, 23rd 24th दो लेक्चर वहाँ मिलेंगे अपने हम लोगों को, 25 26 27 एक दिन मैं लीव पे रहूँगा, 28 29 30 31 तीन तो पाँच, मतलब कुल मिला के 5 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करना. बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है, आप लोगों को समझ में आएगा तभी हम लोग 5 लेक्चर में करेंगे. बट 5 लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बाउंड्री लेयर आई थिंक. ठीक है? ओके सर. ओके सर. और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी आप नोट्स वोट्स बना रहे हो ना, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को? यस यस सर. एक दिन चेक करूंगा मैं सबके नोट्स. Okay. तो आज के लिए बस इतना ही.